कांग्रेस गरीबों की और भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। भाजपा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है, गरीबों के साथ छलावा करती है। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए लेकिन सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। गरीब परिवार सिलेंडर रिफिलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। पीएम आवास योजना का लाभ भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। यह विचार सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने इंद्रगढ़ नगरी निकाय के वार्ड क्रमांक 10 संतोषी माता मंदिर के पास कांग्रेस प्रत्याशी ममता कमल सिंह कुशवा के चुनाव कार्यालय का सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंद्रगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जोरदार जीत तय करने के लिए सभी एकजुटता से कार्य करें। वही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बिना पैसा लिए दिए कोई काम नहीं होता। गरीब के पास अगर पैसा देने को नहीं है तो चाहे थाने में हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे तहसील में हो, कहीं सुनवाई नहीं। मैं सच कह रहा हूँ या नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, हर चीज़ महंगाई, गैस के दाम हो, पेट्रोल के हो, डीजल के हो, हर चीज़ के दाम बढ़ गए, कमर तोड़ महंगाई है। इसके अलावा युवाओं के लिए कोई रोजगार के लिए योजना नहीं बनाई है। युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, कई साल से सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हुई, सरकारी कार्यालयों में पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारों के लिए कोई दिशा नहीं है। इनकी नीतियों के कारण फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ बंद हो रही हैं, जिसके कारण लोगों की छटनी की जा रही है। अपने क्षेत्र में ज्यादातर लोग नौजवान बाहर जाके कोई ना कोई काम करते हैं। दतिया से यूडी न्यूज़ के लिए विनोद।